हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों, तो अभी तक टाइटल और इंट्रो देख के आपको पता चल ही गया होगा, मैं जा रहा हूँ दुर्गा पूजा पर घूमने। तो अभी समय हो रहा है शाम के 4:30 और अभी हम लोग निकलने वाले हैं अपने घर से। सो हेलो गाइस, दिस इज उदेश दास ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल उदेश व्लॉग्स। तो चलो वीडियो शुरू करी। और फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने घर के पास में, क्योंकि मेरे घर के पास में ही दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया गया है और वहाँ पे दुर्गा माँ का पूजा किया जा रहा है। सो चलिए पहले वो देख लीजिए और फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे दूसरी जगह की ओर। दोस्तों, तो मैं अभी फिलहाल अपने घर से निकल चुका हूँ और मेरे पीछे आप देखिए दुर्गा पूजा का पंडाल लगा है। तो चलिए चलते हैं और पहले दिखाता हूँ आपको कि मेरे घर के पास दुर्गा पूजा कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो चलिए मेरे साथ आइए। Moments later. दोस्तों, तो दुर्गा पूजा पंडाल में मेरा दरअसल कुछ काम आ गया था, तो उसके बाद मैं वहाँ पे थोड़ा देर रुक गया था अपने गली के पास और फिर मैं वहाँ से निकला लगभग 5:30 बजे के आसपास। और अभी समय हो रहा है 6:16 और हम लोग अभी आ पहुँचे हैं चांदमारी के दुर्गा पूजा पंडाल में। तो चलिए अभी दुर्गा पूजा पंडाल दिखाता हूँ मैं आपको, वो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे किसी दूसरी जगह की ओर। तो हम लोग निकल चुके हैं चांदमारी के पंडाल से और अभी हम लोग किसी और जगह पे जा रहे हैं। एक्चुअली अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कहाँ जाएंगे हम लोग, लेकिन चलिए यहाँ से निकलते हैं और मुझे पंडाल से प्रसाद मिला है, इसे भी खाते खाते चलते हैं। दोस्तों, तो पूजा घूमते घूमते हम लोगों ने बहुत जगह दर्शन किया और अभी हम लोग फिलहाल आए हैं KFC में। और आप लोगों को तो शायद पता ही होगा कि मैं हूँ वेजिटेरियन, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया है 2 वेज बर्गर, एक मेरे लिए और एक हमारी बहनी के लिए। तो अभी हम लोग आए हैं अपने दूसरे मित्र के साथ, वो नॉन वेज दबा रहा है। भाई दबाओ दबाओ, तुम्हारा ही दिन है, दबाओ। ये है KFC मैसिव जिग बर्गर, इसके साथ साथ हमें फ्रेंच फ्राइज भी मिले हैं और मैंने एक कोक लिया था। तो चलिए अभी से एंजॉय करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम खा रहे हैं, लेकिन हमारी बहनी कुछ बना रही है। तो चलिए दिखाते हैं आपको हमारी बहनी ने क्या बनाया है। क्या बनाया अन्नू? उदेश व्लॉग्स। अच्छा, मेरे चैनल का नाम लिख दिया तुमने। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। खाओ खाओ उसको खाओ। इतने चिकन खा लेगा तू? क्या समझो? आर यू कॉमेडी मी? तो दोस्तों, हमारा जो बर्गर था वो हमने ख़त्म कर दिया। तो अभी समय हो रहा है 7:30 और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे विष्णुपुर की तरफ, तो वहाँ पे जाके अपना ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करेंगे और उसका बाद में देखते हैं कहाँ पे जाएंगे हम लोग। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है दोस्तों, दरअसल हम लोग घर से निकले थे तो भी हम लोगों ने कुछ सोचा नहीं, बस बाइक स्टार्ट किया और निकल गए। जहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल मिल रहा है वहाँ पर चले जा रहे हैं। कुछ का वीडियोज़ मैंने शूट किया और कुछ का वीडियोज़ मैंने शूट नहीं किया। चलिए थोड़ा बाद में मिलते हैं। टाटा भाई, टाटा भाई भाई।
को तो अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग आ चुके हैं विष्णुपुर दुर्गा पूजा पांडाल के पास। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दुर्गा पूजा हर साल इनोवेटिव तरीके से मनाया जाता है और हर साल का थीम कुछ डिफरेंट होता है। और इस साल इन्होंने थीम सिलेक्ट किया है कोरोना वायरस का ऊपर। भाई यहाँ पे इतना ज्यादा गर्मी लग रहा था कि मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। दोस्तों तो हम लोग अभी आ चुके हैं विष्णुपुर के दूसरे दुर्गा पूजा पंडाल के पास और मैं अभी आपको अपना कैमरा बैक करके दिखाता हूँ। अब यहीं से बैठ कर दुर्गा माँ का दर्शन कर लीजिए। दोस्तों तो अभी हम लोग थोड़ा आगे चल रहे हैं विष्णुपुर में, फिर कुछ और पंडाल है जो थोड़ा सा आगे हैं, तो थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों तो हम लोग अभी आ चुके हैं अपने दुर्गा पूजा पंडाल के पास। तो यहाँ पे दुर्गा पूजा का थीम हर साल डिफरेंट होता है। एक समय में यहाँ पे राम मंदिर भी बनाया गया था, पूरा एकदम एक्यूरेट राम मंदिर का जैसा ही बन गया था थीम। और एक समय में यहाँ पे दुर्गा माँ का मूर्ति बना था, वो भी बैम्बू से। हर साल यहाँ पे कैसे कैसे दुर्गा पूजा का थीम होता है वो सब इस बड़े से बोर्ड में लिखा गया है। तो चलिए अभी फिलहाल वो दिखाता हूँ और फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे अंदर और करेंगे माता का दर्शन। दोस्तों मैं इसी थीम्स के बारे में बात कर रहा था और इस दुर्गा पूजा कमेटी को बहुत बार अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। जो भी थीम्स इन लोगों ने बनाया है वो सब इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। दोस्तों तो यहाँ पे भी हम लोगों ने दुर्गा माँ का दर्शन कर लिया है। वैसे आपको बता दूं कि इस बार यहाँ पे कुछ स्पेशल थीम वगैरह बनाया नहीं गया है, हर साल का थीम कुछ और होता है। शायद ये पहली बार है कि कोविड के बाद ऐसा नॉर्मली दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों अभी समय हो रहा है 5:30 और अभी हम लोग निकल रहे हैं भसान में। तो दुर्गा माँ का जो पूजा हो रहा था हम लोग का गली में, वो मूर्ति को हम लोग लेके जा रहे हैं नदी किनारे और वहाँ पे उस मूर्ति को भसाया जाएगा पानी में। तो चलिए फटाफट अपने घर से निकलते हैं और आप मेरा चेहरा पे अबीर लगे हुए देख सकते हैं। दोस्तों तो हम लोग दुर्गा माँ का मूर्ति लेके अपने गली से निकल चुके हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं। हमारे जितने कमेटी के मेंबर्स हैं वो सब पीछे आ रहे हैं लाहे लाहे नाच के गा के। तो अभी आगे चलते रहिए और वीडियो को देखते रहिए और इसी तरह से एंजॉय करते रहिए। बोले दोस्तों तो हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारे दुर्गा माँ का मूर्ति को बसाया जाएगा और अभी मैं थोड़ा पहले पहुँच गया। हमारी जो दुर्गा माँ की मूर्ति है वो पीछे पीछे आ रही है, तो अभी दुर्गा माँ की मूर्ति को आने दीजिए, उसके बाद में हम लोग चलेंगे। तो
बोले दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं दुर्गा माता मूर्ति का बसानी करने के बाद, और अभी हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं पंडित जी के लिए। दरअसल आप लोग को शायद पता ही होगा, एक रिचुअल होता है जहाँ पर पंडित जी आके गंगा जल छिड़कते हैं सबके ऊपर, और येलो कलर का एक धागा दिया जाता है सबको, सब लोग अपने हाथ पे बांधते हैं। तो उसी के लिए हम लोग रुके हुए हैं, अभी पंडित जी आने वाले हैं। अभी पंडित जी को आने दीजिए, उसके बाद में जब जल छिड़का जाएगा तब मिलता हूँ आपसे, फिर धागा लेके चलेंगे वापस अपने घर। दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैं अभी वापस घर आ चुका हूँ। यहाँ तक वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन। दिस इज उदेश दास साइनिंग ऑफ। बाय बाय।